हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल बीएल साहू अंतगढ़। गरिमा मई स्वागत की कड़ी हर हर मोदी घर घर मोदी का आगाज आज हमारे लिए शुभ घड़ी लेकर आई है। भाई विक्रम उसेंडी को टिकट मिलने के बाद प्रथम दृष्टया नगर आगमन पर भारत माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शानदार भारतीय जनता पार्टी का आगाज हमारे जनप्रिय नेता कहे जाने वाले भाई विक्रम उसेंडी जी आपको दृष्टिगोचर हो रहे हैं। काफी गरिमामयी उपस्थिति आपकी जो हमारे लिए सकारात्मक पहल लेकर आई है। हर हर मोदी या नारों के साथ यह आगाज वाकई यह दृश्य बहुवैकल्पिक था। अवश्य ही ये हमारे प्रतिष्ठित जन जिसके मध्य आपकी गरिमामयी स्वागत की कड़ी भैया विक्रम उसेंडी जी, आदरणीय सिंह साहब, आदरणीय महेंद्र ठाकुर जी, उपस्थित इस सभा में विराट उपस्थिति दर्ज करा रही भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध नेत्रीगण, प्राइम टीवी न्यूज एडिटर आदरणीय गुप्ता जी विराजमान है, भाई विक्रम उसेंडी जी का संबोधन मीडिया के सम्मुख, प्राइम न्यूज आज प्रथम आगमन रामसभा के प्रत्याशी घोषित होने के बाद अंतागढ़ में आगमन पर हमारे कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में स्वागत प्रदेश के साथ साथ केंद्रीय रेलवे के मुझ पर जो विश्वास व्यक्त करते हुए अंतर विधानसभा का प्रत्याशी बने और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि वर्तमान में इन 5 सालों में वर्तमान सरकार के जिन वादों और घटनाओं के साथ सरकार बनी थी उसमें कहीं पर भी सफल नहीं हो पाते हैं। क्योंकि 9 तारीख से मैं लगातार जिस दिन मोर्चा हुई उस दिन बांदे में था, महिला मोर्चा का कार्यक्रम था। कार्यक्रम के बाद करेंगे कि वहाँ से कार्यकर्ता उसका जितना भी खानजूर में जो वहाँ पर सबका सब स्वागत किया, फिर आपके काफी में कल कार्यक्रम था,
मणिपुर इलाके अपन संगठन की दृष्टि से देखें तो हमारा बांदे मंडल, पखांजी मंडल, काफी मंडल और आज आमाबेड़ा में भी, आमाबेड़ा मंडल में भी वहाँ कार्यकर्ताओं का बैठक, उसके साथ साथ बजाने की संपर्क हुआ। तो कुल मिला के आज भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा माहौल पूरे विधानसभा में है। इसका बड़ा कारण है कि 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 15 साल में जो काम हुए थे उसके मुकाबले में वो भी वर्तमान में 5 साल भी विकास का काम नहीं हो पा रहा है। ये कुल मिला के भ्रष्टाचार का पूरा एक गढ़ बन चुका है जनतागढ़। इस प्रकार की स्थिति, इस प्रकार की शिकायतें पूरी आ गई, विकास का काम हुआ नहीं है, जनता में भारी नाराजगी भी है। इन सब मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाने वाले 36 वादों के साथ सरकार घोषणा पत्र में जब 2018 में आई उसमें चाहे सब किसानों को कर्जा माफ करने की बात हो, बिजली बिल माफ करने की बात हो, चाहे शराब बंदी की बात हो, चाहे 10 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, चाहे निराश्री महिलाओं को पेंशन और अन्य राशि देने की बात हो, तमाम इन वादों को कहीं करके सरकार नहीं कर पा रही है। विकास का काम तो पूरा ठप पड़ा हो, पंचायतों में कैसे काम है, सड़कों की क्या स्थिति है, देखिए आप यहाँ सब जाएंगे तो उखड़ गए हैं। जो पहले सड़क बन चुकी थी बीच में, आज जो सड़क में गड्ढे हैं कि गड्ढे में सड़क पता ही नहीं चल रहा है, पूरा सड़कें जर्जर हो चुकी हैं। जो प्रधानमंत्री सड़क गांव गांव तक बना है 5 साल तक, मेंटेनेंस करने का अधिकार राज्य सरकार का नहीं, कोई काम नहीं हो रहा है। बातों को लेकर पूरे जनता में जबरदस्त नाराजगी है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी यहाँ प्रदेश में सरकार बने ये सब जनता चाहती है। निश्चित रूप से हम कार्यकर्ता जनता के आशीर्वाद से अंतर विधानसभा भारी मतों से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2/3 बहुमत के साथ बनने वाली है। इसमें आप सबका भी बहुत बड़ा भूमिका होगी और निश्चित रूप से आज जिस प्रकार से कांग्रेस के इस शासन काल में जिस प्रकार से हताशा, निराशा के साथ साथ भ्रष्टाचार, अन्याय और एक पूरा छत्तीसगढ़ एक अपराध का गढ़ बन गया है, इस बात को लेकर जनता त्रस्त हो गई है और निश्चित रूप से अब बदलाव का समय है। और 7 नवंबर को जो मतदान होगा तो निश्चित रूप से जो 3 तारीख के परिणाम आएंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी अंतर विधानसभा से छत्तीसगढ़ में भारी मतों से जीत करके प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की सरकार बनेगी और 2024 में भी केंद्र नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। उसके बाद से विकास के काम होंगे, आने वाले समय में तेजी से यहाँ पर विकास के काम होंगे, भारतीय जनता पार्टी शासन काल के लिए देखा। विक्रम भैया आपकी बार बदल करेंगे, आपकी बार। यह है सारगर्भित मीडिया को संबोधन करते हुए हमारे अति प्रिय नेता भाई विक्रम उसंडी जी, जो प्राइम न्यूज को संबोधन किए कि इस बार हम 2/3 बहुमत से कमल खिलाएंगे। और यह हकीकत है कि सरकार जरूर बदलेगी, हमें भी विश्वास है और इस दिशा पर हम भी डटकर मुकाबला करेंगे और आगे होकर के हम भाई विक्रम उसंडी जी का जय घोष के साथ प्रचार और प्रसार, सघन प्रचार में हम डट जाएंगे। और हमारा व्यक्तिगत चैनल है बाबूलाल साहू अंतगढ़, कृपया आप भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रिय बंधुओं से मेरा निवेदन है कि इस चैनल को कृपया 1 बटन दबाकर सब्सक्राइब करने का महान कष्ट करें, यही मेरा ये इनाम है, यही मेरे लिए सब कुछ है। बाकी आपके दिशा निर्देश, आपके आदेश का मैं इंतजार करूंगा, जहां जहां जैसे जैसे जिस प्रकार से हो मैं वहां छलांग लगाकर पहुंच जाऊंगा।